और महाहरानी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश फेल दिया। कालीचरण मामले में राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक और एमपी छत्तीसगढ़ सरकार में भिड़ंत चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति में भी कालीचरण मामले ने रुख मोड़ लिया है। एक और कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रद्रोह करने वाले को पनाह दी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि गांधी जी के विचारों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह है। ऐसा राष्ट्रद्रोह करने वाले तथा कथित बाबा को मध्य प्रदेश में पनाह दी जाती है, यह घोर निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि 3 दिन तक बाबा कैसे मध्य प्रदेश में छुपे रहे, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण बाबा के ऊपर था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करना राष्ट्रद्रोह है, ऐसा राष्ट्रद्रोह करने वाले तथा कथित बाबा को मध्य प्रदेश में पनाह दी जाती है और अब मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही करने के बजाय ऐसे बाबा की गिरफ्तारी के तकनीकी पहलू लगाकर इन्हें राहत देने की तैयारी कर रही है। ये घोर निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार को हिसाब देना चाहिए कि 3 दिन तक ये बाबा कैसे मध्य प्रदेश में छुपे रहे, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण था बाबा के ऊपर। वहीं भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत में सुमार हो गया है कि जितना वो गांधी जी का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा वो गॉडसे का नाम लेते हैं, और सिर्फ यही कारण है कि इस मुद्दे को उन्होंने अभी तक लंबित छोड़ा और गिरफ्तार करने में इतना समय लगाया। महाराज के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, वो छत्तीसगढ़ की धरती पर हुआ। ऐसा नहीं कि वो प्लेन में अचानक से उड़ गए, छत्तीसगढ़ की सरकार वहाँ पर उपलब्ध थी। बात सिर्फ इतनी है कि मध्य प्रदेश से अगर गिरफ्तारी करनी है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, जो पुलिस अधिकारियों को बताने की आवश्यकता होती है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए था। पर कांग्रेस की आदत में शुमार हो गया है, उनकी पॉलिटिकल सोच को ये सूट करता है कि जितना वो गांधी जी का नाम नहीं लेते उससे ज़्यादा वो गोडसे का नाम ले लेते हैं, और सिर्फ यही कारण है कि इस मुद्दे को उन्होंने इतने समय तक लंबित छोड़ा और गिरफ्तार करने में इतना समय लगाया। क्योंकि गांधी जी की हत्या करने वाला गोडसे जरूर रहा हूँ, पर गांधी जी के विचारों की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो जाने के कारण प्रदेश की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी का मामला सामने आने से प्रदेश की राजनीति में अलग रुख देखने को मिल रहा है। देखते रहिए टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।